हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 मॉडल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि BS6 मॉडल में आपको कंपनी ने क्या क्या चेंजेस किए और क्या इसका प्रोज एंड कॉन्स रहने वाला है और क्या ये BS6 मॉडल में वैल्यू फॉर मनी रहा है या नहीं रहा है। तो अगर आप इस बाइक को लेने का सोच रहे थे तो वीडियो को पूरा देख लेने और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी ऐसी बाइक अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाइक लेने में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्राइस। तो मैं आपको इसका प्राइस बताना चाहता हूँ, जो इसका बेस मॉडल का जो आपको प्राइस देखने को मिलेगा वो आपको 1,87,000 रुपीज देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स में ऑन रोड। और हम बात करते हैं इसमें कंपनी ने इस बार दो न्यू वेरिएंट जो ऐड किए हैं उनका प्राइस मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक जो वेरिएंट न्यू ऐड किया है उसका नाम है गन मेटल ग्रे, और जो एक न्यू वेरिएंट ऐड हुआ है उसका नाम है आपको स्टिल्थ ब्लैक। तो अगर गन मेटल ग्रे का हम ऑन रोड प्राइस का बात करते हैं तो वो आपको 1,89,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और स्टिल्थ ब्लैक आपको 2,05,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में ऑन रोड देखने को मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये दो वेरिएंट्स का प्राइस आपको अलग से क्यों बताया, क्योंकि ये जो दो वेरिएंट्स है इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि ये दो वेरिएंट्स में आपको काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें जो आपको इंजन देखने को मिलेगा वो आपको 346 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ट्विन स्पार्क FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 20.07 PS का एट द रेट 5250 RPM एंड जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो 28 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एट द रेट 4000 RPM। तो ये रहा इसका पावर एंड टॉर्क फिगर्स का। अगर हम बात करते हैं BS6 कंपैरिजन में तो पावर आपको चेंज देखने को नहीं मिला है, पावर आपको अप्रॉक्स में सेम ही देखने को मिलता है। अब हम बात करना चाहेंगे इसका ब्रेकिंग के बारे में। तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है विद डुअल डिस्क ब्रेक्स। तो इसका जो फ्रंट का डिस्क ब्रेक का साइज है वो आपको 280mm का देखने को मिलता है, और रियर का जो डिस्क ब्रेक है वो आपको 240mm का देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें BS6 में आपको एक्स्ट्रा क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं बेस मॉडल का प्राइस से तो बेस मॉडल का जो प्राइस है उसमें आपको BS4 मॉडल के कंपैरिजन में 11,000 का इंक्रीज आया है। तो 11,000 एक्स्ट्रा देकर के आपको इस बाइक में क्या क्या मिल रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देख ले। तो सबसे पहला जो आपको सबसे मेजर चेंज देखने को मिलता है वो होता है आपका इसका इंजन में, वो है आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिल जाता है EFI। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन आपको अब इस बाइक में देखने को मिल जाता है, कार्बोरेटर हट गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन आने से क्या हुआ है कि इसका इंजन जो है वो काफ़ी स्मूथ हो गया है और काफ़ी रिफाइन हो गया है। अगर आप कार्बोरेटेड मॉडल से इसका कंपैरिजन करते हैं तो इंजन आपको पहले से काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि ये काफ़ी अच्छा बात है। और जो इसका मतलब जो आपका लाइफ है इंजन का वो भी आपको पहले से अब ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो FI आने से क्या होता है इसमें और भी बहुत सारे आपको सेंसर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सेंसर ऐड हो जाता है और भी बहुत सारे आपको इसमें 2-3 न्यू सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है और राइडिंग में भी आपको जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा इस मॉडल में। आप चाहें तो इसका टेस्ट राइड भी ले सकते हैं अपने नियरेस्ट शोरूम पर जाकर। और एक आपको जो मेजर चेंज देखने को मिलेगा वो होगा इसके माइलेज में। तो अगर हम बात करते हैं माइलेज में तो आपको इसका माइलेज भी पहले से इंक्रीज देखने को मिलेगा, 5-10% आपको इसका माइलेज देखने को इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि जो इसका फ्यूल इंजेक्शन आ गया है तो उससे आपको माइलेज इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर आपकी बाइक पहले अगर बुलेट अगर आपको माइलेज 35-40 का देती थी तो अब आपको जो ये माइलेज देखने को वो मिलेगा वो आपको 38-42 का माइलेज देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस बाइक में आपको किक भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक इसका आप बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्लस पॉइंट है, क्योंकि किक बहुत सारी कंपनीज हटा रही है बट रॉयल एनफील्ड ने उसे कैरी किया है। तो किक से भी आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलता है, अगर आपकी बैटरी कभी डेड हो जाती है तो आप इजिली एक किक से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है और जो कि आपको इसमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं बाइक का वाइब्रेशंस। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था और कमेंट्स था कि भाई इसका वाइब्रेशन घटा है या नहीं, तो मैंने इसका एक वाइब्रेशन टेस्ट किया है, आप उसमें जाकर के इसका वाइब्रेशंस को देख सकते हैं। वाइब्रेशंस थोड़ा रिड्यूस हुआ है बट ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ इसका जो आपको एक मतलब अच्छा ऑप्शंस जो इस बार कंपनी ने ऐड किया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा रॉयल एनफील्ड की तरफ से। इसमें आपको दो न्यू ऑप्शंस कंपनी ने ऐड किया है, एक जो है वो आपका स्टिल्थ ब्लैक और दूसरा है आपका वो क्रोम ब्लैक। तो ये जो आपको 350 में आपको इस बार न्यू ऑप्शंस कंपनी ने ऐड किया है और इसमें आपको जो है बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जिसमें आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अब आपको जो आफ्टर मार्केट आप एलॉय लगवाना चाहते थे, बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि अब मैं बाइक लूँगा और आफ्टर मार्केट जाके एलॉय लगवाऊंगा, उनके लिए कंपनी ने ऑप्शंस दे दिया है। तो आप इजीली उस मॉडल के लिए जा सकते हैं, आपको उसमें कंपनी फिटेड एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है बाइक को। और उसमें आपको एक जो और सबसे अच्छा बात है वो उसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ट्यूबलेस टायर्स भी अब आपको आफ्टर मार्केट लगवाने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी आपको इसमें ऑप्शंस दे रही है, आप उस वेरिएंट के लिए जा सकते हैं जिसमें आपको ट्यूबलेस टायर और एलॉय व्हील्स अगर आपकी ये जरूरत
जरूरत है तो आप उसके लिए जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लुक भी दे रहा है। फुल ब्लैक में वो आपको अवेलेबल है। अब हम बात करना चाहेंगे उसका प्राइस, तो प्राइस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था उसका, बट फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टिल्थ ब्लैक का आपको जो प्राइस देखने को मिलेगा वो 2,05,000 को आपको देखने को मिल जाएगा एक शोरूम, और जो गन मेटल ग्रे का देखने को मिलेगा ऑन रोड, और जो गन मेटल ग्रे का आपको देखने को मिलेगा वो आपको 1,89,000 के अप्रॉक्स में ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा ब्रांड्स इस वेरियंट्स का प्राइस, जो कि काफ़ी अच्छा बात है रॉयल इनफील्ड की तरफ से जो आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं बात करना चाहूँगा इसका फ्यूल टैंक का, तो अगर हम फ्यूल टैंक का इसका बात करते हैं तो जो फ्यूल टैंक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा वो आपको 13.5 लीटर्स का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा रेंज प्रोवाइड करता है इस बाइक को। तो फ्रेंड्स अब हम बात करना चाहेंगे इसके टायर्स का, तो इसको आपको जो टायर्स जो देखने को मिलेगा वो आपको 90x90 का 19 इंच का टायर्स आपको देखने को मिलेगा फ्रंट में, और जो रेयर में आपको देखने को मिलेगा वो आपको 110x90 का टायर्स देखने को मिलेगा 18 इंच का, वो आपको रेयर में देखने को मिलेगा। तो टायर्स भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रिप भी प्रोवाइड करता है इस बाइक को। अब हम बात करना चाहेंगे एक और इसमें आपको जो बेनिफिट देखने को मिलता है वो है आपका इसका मॉडिफिकेशन। इसका जो पार्ट्स है और इसका जो मॉडिफिकेशन का आइटम्स है वो आपको काफ़ी सारा मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करवा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बात है इस बाइक का, और इसे आप इजीली अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें आप वैसा मॉडिफाई भी करवा सकते हैं। ये भी एक आपको इसमें प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी बॉडी, तो एक जो इसमें बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा वो है इसका बॉडी। बॉडी आपको इसमें फुल मेटल बॉडी देखने को मिल जाता है, जैसे कि रॉयल इनफील्ड का टैगलाइन है मेड लाइक गन, तो वो इसका आपको फील भी इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस बाइक को राइड करते हैं तो आपको फील हो जाएगा कि ये मतलब काफ़ी अच्छा, इसका बिल्ड क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है इस बाइक में, और BS6 मॉडल में आपको ऑप्शंस भी बहुत सारे देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि और अच्छा इस बाइक को बना देता है। अब हम बात करना चाहेंगे जो सबसे मेजर पॉइंट इस बाइक का वो है एग्जॉस्ट नोट। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस था कि एग्जॉस्ट नोट का क्या हुआ, मतलब एग्जॉस्ट नोट कम हो गया या क्या हुआ, तो एग्जॉस्ट नोट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका जो बेस है वो पहले से बढ़ा दिया गया है और जो लाउडनेस है उसे कम कर दिया गया है। तो जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही एग्जॉस्ट नोट को सुना होगा, आपको बेस ज़्यादा देखने को मिलता है बट लाउडनेस आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो ये है इसका एग्जॉस्ट नोट का बात, जो कि आपको इसमें चेंज देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब हो गए मेजर इसके प्रोज। अब मैं आपको दो तीन कॉन्स बताना चाहूँगा, जो कि मतलब सबके लिए वो कॉन्स मतलब फुल नहीं होते हैं, बट फिर भी एक मतलब आप उसे काउंट कर सकते हैं कॉन्स में। तो जो सबसे मेजर मुझे कौन लगा वो इसका वेट। तो वेट इसका आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अगर हम दूसरे अगर बाइक सेगमेंट से अगर कंपेयर करते हैं तो आपको इसमें जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा फील होगा। आपको इसमें 192 केजीज का वेट देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब थोड़ा ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करते हैं अदर बाइक से। तो इसमें वेट आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और अगर आप इस बाइक से रेसिंग करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स ये बाइक रेसिंग के लिए नहीं बनी है, तो अगर आपको जैसे कि आप जानते हैं 350cc का इंजन देखने को मिलता है, बट अगर आप इसको रेसिंग के पर्पज़ से लेना चाह रहे हैं तो ये रेस आपका रेसिंग के पर्पज़ से ये बाइक नहीं आएगी। तो ये भी एक मतलब कौन सा आप इसको बोल सकते हैं। और इसका मैं आपको जैसे कि अभी आप जानते हैं सारी बाइक्स में आपको फीचर्स बहुत सारे देखने को मिल जा रहे हैं, जैसे गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर और भी मॉडर्न डिजिटल कंसोल, ये सब देखने को मिल जा रहा है। बट ये एक रेट्रो लुक बाइक है और इसमें वो सब सूट नहीं करेगा, इसीलिए कंपनी ने आपको ये सब उसमें नहीं दिया है। और इसमें आपको मतलब अगर देखा जाए तो आपको फ्यूल गेज भी देखने को नहीं मिलता है। बात करना चाहेंगे इसकी मतलब जो आपको सर्विस, तो अगर आप इस बाइक को रखते हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें एक्सपेंस ज़्यादा करना होगा, क्योंकि इसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट आती है वो थोड़ा ज़्यादा आती है अगर एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स, तो आपको इसमें थोड़ा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। बस यही सब मुझे कॉन्स लगे फ्रेंड्स। ये रहा इस बाइक के बारे में फुल डिटेल्स। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।